नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24x7। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। 9 दिवसीय भागवत कथा को लेकर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। गोरखपुर की अनुष्का ठाकुर कहेंगी भागवत कथा। धार्मिक स्थल क्षतिग्रस्त किए जाने की 48 घंटे बीत जाने के बावजूद असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई नहीं किए जाने से आक्रोशित भाजपा कार्यकर्ताओं ने दिया धरना। दहेज लोभी पति और उसके परिजनों ने ससुराल वालों पर किया हमला। पत्नी सास ससुर सहित कई लोग जख्मी। अपना वीडियो बनाते देख पुलिस वाले ने खोया आपा। शिक्षक पुत्र से मोबाइल लगे छीनने। वीडियो हो रहा है सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल। पुरानी रंजिश में एक पक्ष के लोग ने दूसरे पक्ष पर किया हमला। दो लोग गंभीर रूप से घायल। अब खबरें विस्तार से। 9 दिवसीय भागवत कथा को लेकर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। गोरखपुर की अनुष्का ठाकुर कहेंगी भागवत कथा। भागलपुर के विक्रमशिला कॉलोनी रामसर स्थित जंगली काली महारानी मंदिर परिसर में आयोजित होने वाली 9 दिवसीय भागवत कथा को लेकर बुढ़ानाथ मंदिर घाट से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें शहर की सैकड़ों महिलाएं माथे पर कलश लेकर इस शोभा यात्रा में शामिल हुई। कलश शोभा यात्रा बुढ़ानाथ मंदिर से निकलकर शहर भ्रमण करते हुए रामसर विक्रमशिला कॉलोनी स्थित जंगली काली मंदिर पहुंचा, जहां आज से 9 दिनों तक कथा वाचिका गोरखपुर यूपी निवासी अनुष्का पाठक द्वारा भागवत कथा का श्रवण श्रद्धालुओं को कराया गया। जहां आज से 9 दिनों तक कथा वाचिका गोरखपुर यूपी निवासी अनुष्का पाठक द्वारा भागवत कथा का श्रवण श्रद्धालुओं को कराया जाएगा। इसकी जानकारी रामसर विक्रमशिला कॉलोनी जंगली काली के अध्यक्ष रामजी शाह ने दिया। आज जो है विक्रमशिला काली जंगली काली मंदिर में भागवत कथा का आयोजन होना, इसके लिए क्या किया गया है? आज भागलपुर जंगली काली स्थान रामसर मोहल्ला विक्रमशिला कॉलोनी से एक शोभा यात्रा का आयोजन हुआ, जो की बुढ़ानाथ मंदिर से कलश शोभा यात्रा निकाला गया। पूरा भागलपुर भ्रमण करते हुए ये शोभा यात्रा विक्रमशिला कॉलोनी जंगली काली स्थान में खत्म हुई। इसके बाद यहाँ दूसरा प्रोग्राम रखा गया भागवत कथा का, जो पिता पुत्र एक ही मंच पर कथा वाचेंगे। इनके लिए भागलपुर के तरफ से हम लोग सहयोग द्वारा किया जा रहा है, समूचा भागलपुर समाज के तरफ से। इसमें आप लोग सभी भाई बंधु से निवेदन कि आप लोग आकर कथा सुनकर। कितनी की संख्या में महिलाओं ने भाग लिया था कलश शोभा यात्रा? कलश शोभा यात्रा में 251 महिला ने भाग लिया। शहर के लोग थे हजारों की संख्या में। कथा कितने बजे से शुरू होना है? कथा शुरू होगा 3 बजे से लेकर 6 बजे तक। 6 बजे के बाद थोड़ा कथावाचिका का नाम क्या है? कथावाचिका का नाम है अनुष्का पाठक। उनके फादर का नाम है वशिष्ठ मुनि पाठक। दोनों के मुख से कथा वाचा जाए। आपका परिचय? हम जंगली काली पूजा समिति के अध्यक्ष हैं। नाम बताएं? राम जी साह। आज रामसर विक्रमशिला कॉलोनी से कलश शोभा यात्रा निकाला गया, उद्देश्य क्या है उसका? इसका उद्देश्य यही है, पहले तो आपके चैनल से जुड़े सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूँ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। उसका उद्देश्य एक ही है, सनातन का उत्थान और देश का कल्याण। किस लिए कलश शोभा यात्रा जो निकाली गई, किस लिए निकाली गई? कलश शोभा यात्रा इसीलिए निकाली गई थी कि आज जो है, आज से अनुष्का पाठक जो कुशीनगर जिला से आई हैं, उनके द्वारा कथा होना है। आज 3 बजे से कथा प्रारंभ है और ये काली माता का मंदिर है और यहाँ सभी भक्तजन आ सकें, कथा सुन सकें, सभी लोग जान सकें। इसे कलश यात्रा और शोभा यात्रा भी कहा जाता है, इसीलिए कि लोग देखें कि हाँ कहीं कथा हो रही है और सभी लोग आएं और यहाँ पुण्य के भागी बने। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कथावाचक पंडित वशिष्ठ मुनि जी के नाम से लोग जानते हैं। मेरा नाम वशिष्ठ मुनि है, वशिष्ठ मुनि पाठक। धार्मिक स्थल क्षतिग्रस्त किए जाने के 48 घंटे बीत जाने के बावजूद असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई नहीं किए जाने से आक्रोशित भाजपा कार्यकर्ताओं ने दिया धरना। भागलपुर के विश्वविद्यालय ओपी अंतर्गत
पर्वतीय मोहल्ले में बीते दिनों उपद्रवियों के द्वारा काली मंदिर परिसर के भीतर पथराव किया गया था। साथ ही उपद्रवियों ने दरवाजे पर तलवार से प्रहार किया था, जिससे दरवाजा क्षतिग्रस्त हो गया था। साथ ही दान पेटी भी टूट गई थी। वहीं गंभीर मसले के बाद पूरे इलाके में तनावपूर्ण स्थिति बन गई और जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के आदेश पर मोहल्ला पुलिस छावनी में तब्दील हो गया था। मोहल्ले के लोग लगातार उपद्रवियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। उन्होंने टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन भी किया था। लोगों ने कहा कि मां काली के साथ उनकी आस्था काफी जुड़ी हुई है और असामाजिक तत्वों के द्वारा उनकी धर्म और भावनाओं को ठेस पहुंचाने की साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि पुलिस प्रशासन ने लोगों को आश्वासन देते हुए तुरंत कार्रवाई के तहत दोषियों को गिरफ्तार करने की बात कही थी, लेकिन 48 घंटे बीत चुके हैं, अब तक इस मामले में किसी तरह की कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई। पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। इसी कड़ी में भाजपा जिला इकाई के कार्यकर्ता मंगलवार को अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि ताजिया जुलूस में असामाजिक तत्वों द्वारा हिंदू देवी देवताओं पर इस तरह की घटना को अंजाम देकर समाज की भावना के साथ खिलवाड़ किया गया है। वहीं 48 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अब तक इस मामले में किसी भी व्यक्ति की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस इस मामले में खानापूर्ति कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार और पुलिस प्रशासन को इस मामले को गंभीरता से देखते हुए लीपापोती करने के बजाय ध्यान देने की आवश्यकता है और जो भी दोषी है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसी को लेकर कहा कि प्रत्येक वर्ष आई है ताजिया जुलूस, निर्धारित रूट उसी इलाके से किया गया है, लेकिन ईश्वर से ऐसी घटना हुई। उन्होंने जिला प्रशासन से ताजिया जुलूस के रूट चेंज करने की मांग की। इस दौरान अति संवेदनशील होने के कारण मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में लगभग 5 थाने की पुलिस मौके पर तैनात है, ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना घट सके। अगर इस मामले में पुलिस या लापरवाही हुई तो वे लोग आंदोलन करेंगे। जिस प्रकार 30 तारीख को जो लगभग 3 बजे सुबह जो पर्वती काली मंदिर के प्रांगण में मुहर्रम के जुलूस में जो ताजिया जुलूस निकला था मुहर्रम के अवसर पर, उसमें शामिल उपद्रवी तत्वों के द्वारा जो काली मंदिर में तोड़फोड़ किया गया और पिंडी पर जो पथराव किया गया, उस पथराव में शामिल लोगों को उपद्रवी तत्वों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। एक तो इस बार पूरे ताजिया जुलूस के अंदर कहीं भी प्रशासनिक व्यवस्था सब जगह विफल नजर आई, एक भी प्रशासन के लोग कहीं नजर नहीं आए। एक तो मैं जानना चाहूंगा कि भागलपुर में पहली बार इतना संवेदनशील जगह होते हुए यह किनके इशारे पर इस कोई प्रशासनिक व्यवस्था नहीं की गई थी? क्या ऊपर से बिहार सरकार के मुखिया के द्वारा कोई निर्देश था क्या जाए, या कुछ लोग बड़ी घटना को घटित होने के का इंतजार कर रहे थे? आज हम सभी लोग उपवास पर बैठे हैं कि उसमें जो भी संलिप्त दोषी है उनकी अविलंब गिरफ्तारी हो। अभी लगभग 2 दिन से ज्यादा हो गया है, लेकिन इन 2 दिनों में एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। प्रशासन की हम FIR कर दिए हैं, हम गठित कर दिए हैं, प्रशासनिक अधिकारियों की समिति गठित कर दिए हैं गिरफ्तारी के लिए, लेकिन आज तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। कल की भी एक घटना है, कोई भी क्रिया होती है उसके विपरीत में प्रतिक्रिया होती है, जो कि नहीं होना चाहिए। कल इस जो घटना घटी है इससे आक्रोशित कुछ हिंदू समाज के लोगों ने आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जो हम उस आपत्तिजनक टिप्पणी के समर्थक हम नहीं है और न उसको हम प्रश्रय देना चाहते हैं और न देने का काम करते हैं। उसकी भी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, लेकिन चूंकि पूरे लोग हिंदू समाज के लोग वह उज्ज्वलित है, वह आक्रोशित है और उस आक्रोश में उन्होंने जो है वह गलत टिप्पणी करने का काम किया है। मैं फिर कह रहा हूँ कि वह टिप्पणी का हम समर्थन नहीं कर रहे हैं, वह सर्वथा अनुचित है, लेकिन उसके बावजूद जो है प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए उस युवक को, जो कि 17 वर्ष का युवक है और वह अनपढ़ युवक है, और उसको गिरफ्तार करने का काम तत्परता के साथ तुरंत किया, और जो कि जिसके कारण यह घटना घटित हो रही है, जो लोग इसमें आक्रोशित होकर जो ये घटना कर रहे हैं, उसके दोषियों को अभी तक कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई है। तो हम सभी लोग आज यहाँ पर अनशन पर हम बैठे हैं कि जो दोषी हैं उसकी अविलंब उस पर कार्रवाई हो, उसको गिरफ्तार किया जाए, और जो कुंभकर्णी नींद में बिहार के मुखिया सोए हुए हैं, आज पूरे बिहार में इस प्रकार की अनेकों घटना, वह चाहे नौगछिया में जो घटना घटी है उसके भी जो आरोपी हैं उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है,
और केवल गिरफ्तार ही नहीं किया गया है। अपना वीडियो बनाते देख पुलिस वाले ने खोया आपा। शिक्षक पुत्र से मोबाइल लगे छीने, वीडियो हो रहा है सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल। पुलिस जिला नवगछिया के परवत्ता थाना क्षेत्र के बडिया लालपुर का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कुछ युवक के साथ पुलिस वाले छीना झपटी का काम कर रहे हैं। दरअसल बडिया लालपुर के रहने वाले शिक्षक नंद किशोर मंडल का पड़ोसी गोपाल ठाकुर से जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। वहीं शिक्षक नंद किशोर मंडल के द्वारा अपने मकान में दीवार देने का काम किया जा रहा है, जिसकी सूचना पड़ोसी गोपाल ठाकुर के द्वारा थाने को दे दी गई, जिसके बाल परवत्ता थाना के एएसआई अशोक कुमार मंडल दल बल के साथ निर्माण स्थल पर पहुंचे, जहां पर नंद किशोर मंडल के शिक्षक लड़के और भतीजे पुलिस का वीडियो बनाने लगे, जो पुलिस वालों को नगवा लगा और उसके बाद पुलिस के जवानों के द्वारा मोबाइल खेलने के लिए छीना झपटी का दौर शुरू हो गया। वहीं सवाल उठता है कि पुलिस जब जांच करने के लिए पहुंची थी तो उसे किस बात का डर था कि अगर उनका वीडियो बना लिया जाएगा तो कुछ गलत हो जाएगा। वहीं पुलिस वाले लगातार वीडियो बनाने वाले युवक से मोबाइल छीनने का प्रयास करते नजर आए। दहेज लोभी पति और उसके परिजनों ने ससुराल वालों पर किया हमला, पत्नी सास ससुर सहित कई लोग जख्मी। भागलपुर में दहेज का पैसा नहीं देने पर एक माता पिता को इस कदर खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि आज उनकी बेटी की जिंदगी खतरे में है। दरअसल दामाद व उनके घर वालों ने मिलकर बहू समेत सास और ससुर की जमकर पिटाई कर दी है। इस घटना में लड़की के पिता मोहम्मद फरीद और उनकी पत्नी बीवी तबसुम भी घायल है, जबकि बेटी शायस्ता को गंभीर चोट आई है। पहले वह बेहोश थी, अब होश आया है। पिछले 36 घंटे से लड़की वाले अपने बचाव के लिए सहारा ढूंढ रहे हैं, उन्हें अस्पताल में भी डर सता रहा है। मामला जगदीशपुर थाना क्षेत्र के पुरैनी ख्वाजा नगर का बताया जा रहा है। मामले को लेकर पीड़िता शाइस्ता ने बताया कि 2017 में पूरे मुस्लिम रीति रिवाज के साथ हमारी शादी पुरैनी ख्वाजा नगर पश्चिम टोला के रहने वाले राशिद से हुई थी, लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद ही राशिद व उसके परिजनों ने दहेज की मांग शुरू कर दी। लड़की वालों ने लड़का पक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने 2 लाख रुपए कैश, बाइक व जमीन की मांग की थी, जिसको लेकर पहले भी कई बार शाइस्ता के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया था। इससे तंग आकर कुछ महीनों पहले वह अपने माता पिता के घर चली आई। लड़के वाले उसके घर जाकर भी पिटाई करते थे और बीते दिन लड़की और उसके माता पिता की भी बेरहमी से पिटाई कर दी थी। लड़की पक्ष ने कहा कि इस मामले को लेकर पहले भी पंचायत बैठाई जा चुकी है, लेकिन उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पंचायत के लोग भी लड़के वालों का साथ दे रहे हैं, जबकि मम्मी शिकायत लेकर नजदीकी थाने भी गए, लेकिन किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं की गई। फिलहाल तीनों माँ बेटी मायागंज अस्पताल में इलाजरत हैं, जबकि शाइस्ता अपने तीनों बच्चों से मिलने की गुहार लगा रही है, लेकिन लड़की के माता पिता को जान का खतरा सता रहा है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। वहीं स्थानीय पुलिस से पूछे जाने पर थानेदार अमित कुमार ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में नहीं है, किसी तरह की कोई प्राथमिकी दर्ज होने के बाद ही पुलिस अपनी कार्यवाही करेगी। क्या हुआ है, पति से क्यों मार दिया? जब से शादी हुआ तब से ऐसा छोटा छोटा हरकत करके मारते रहता, गाड़ी नहीं रहता तो मार मैं मारती है, क्यों मारता? कोई सब लोग खाना बना के रखते हैं, मिर्ची डाल देती है, नमक तेज कर देती है, खाना बना करके रखती है, बच्ची को खिला देती है, हमारे खाना बाथरूम जाती है, दरवाजा खोल देती है, नहाने लगते हैं। ये हरकत कौन करता है? सास और पति को इसके बारे में बताई थी? पति को बताते हैं तो बोलती है क्या बोल सकते हैं उसको, तुम्हारे पक्ष में अगर पति तो दहेज पे मांगा? मेरे पक्ष में नहीं है। दहेज कौन कौन मांगता है? बोलो जमीन देने के लिए, हिस्सा मांगो, नहीं देगा तो बोलो यही रोजगार करेंगे, 2 लाख रुपया बोलो देने के लिए, नहीं तो मोटरसाइकिल बोलो, जमीन बोलो, ऐसे सब कुछ। अभी क्या करते हैं? मामले को लेकर थाना पहले सरपंच के पास गए थे,
तो सरपंच बोला थाना ना जाने का जरूरत नहीं है, हम इसका फैसला कर देंगे। तो क्या हुआ, फैसला नहीं हुआ? नहीं, दो महीने से कभी बोलता आ जाना कल बोना, शनिवार को ग्राम पंचायत लगता, हम लोग बोला नोटिस करिए तो हम लोग आएंगे, उसको भी नोटिस करिए, बोला हम फोन करेंगे, हमारा फोन ही नोटिस है। सरपंच बोला नोटिस आज तक नहीं किया वो। अब मारपीट कौन कौन किया तुम लोगों के साथ? पहले मेरी नना मारी थी, दो नना थे, एक सास मारी थी पहले, फिर उसके बाद मेरा सवार बम्बई से आया, वो भी आकर के गाली उली देता, जब आता तो मारे पीट करने लगता। अभी जो माथा पटा किस चीज से मारा? रॉड से मारा, सरिया था उससे मारा। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सुनिश्चित। पति का नाम? ना सर, ना सर, ठीक है। जमाने बोले क्या क्या करना, 10-6 को वहाँ मार मारा। तो सरपंच पुलिस के आप लोग को कुछ नहीं करना है, हम इसका फैसला करेंगे। तो पिछले महीना 10 तारीख शनिवार के दिन की घटना हुआ था, पहला घटना, और इतना दिन बीत गया। आपके साथ क्यों मारपीट हुआ? मेरी बेटी को वो लोग बार बार कहते रहता, तुम्हारा माँ बाप गरीब रहे, कुछ भी रहे, जहाँ से दे तुम अपने माँ बाप को बोलो कि 2 लाख रुपया देगा, हम यहाँ में बिजनेस करेंगे, और 1 कट्ठा बोलो जमीन देने के लिए, और 1 मोटरसाइकिल बोलो देने के लिए, और अगर नहीं दोगे तो ऐसे मारते रहेंगे। कौन बोलता है ये बात? ये बोलता है, दामाद भी बोलता है, और सास भी बोलती है, ननद भी बोलती है, मतलब सबका बात वही एक ही गिरता है, और अगर नहीं दोगे चाहे तो यूपी में ले जाके बेचवा देंगे, और नहीं तो ऐसे मारते मारते मार देंगे, नहीं तो तीसरा नंबर की ना तो छोड़वा देंगे। और वही किया सर। कब बेटी का शादी किए थे? बेटी का शादी हुआ था 2017 में। अच्छा, कब से ही परेशानी? परेशानी हो गया रहा था बार बार, हम लोग अपने में सुलझा देते थे कि हम लोग को तो बेटी शादी किए हैं तो बस आना है, लेकिन वो लोग बार बार ऐसे करता, मेरे सिर पे कोई सिर परत है ना, मेरा मालिक मेहनत मजदूरी करता है, 300 रुपया डेली कमाता है, और उसी में हम लोग घर परिवार चलाते हैं किसी तरीके से। तो आप लोग बताइए सर, हम कहाँ से उसको देंगे? और फिर अगर भाई 10 तारीख शनिवार के दिन हुआ था पिछले महीने में, और फिर रात में हम लोग अपने घर में बैठे हुए थे बंगले में, पूरा परिवार से आया और करके एकदम लाठी से सबको डंगा दिया। लड़का वाला लोग मारपीट? हाँ, लड़का वाला पूरे परिवार से आया था मारने के लिए। हाँ, मतलब कहाँ शादी की है बेटी? मतलब गाँव में है, मेरा घर है खाजानगर में, और उसका घर है खाजानगर पश्चिम मोहल्ला में। कौन थाना पड़ता है? थाना दोनों का वही जगदीशपुर पड़ता है। अच्छा, सरपंच भी वही एक भी पड़ता है। लड़का का नाम हुआ मोहम्मद राशिद, पिता का नाम हुआ मोहम्मद साजिद, उसकी माँ का? उसकी माँ का नाम हुआ अनवरी, और कौन कौन मार? बहन का नाम हुआ फरीदा, दूसरी बहन का नाम हुआ सीमा। सब मिल के किया था अगली बार, और अगली बार सब मरा, सब आकर के यहाँ पिता, उसकी माँ भी थी साथ में। आपकी बेटी का क्या नाम है? मेरी बेटी का नाम है सविस्ता। कितने बाल बच्चे हैं? 3 बाल बच्चे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है बीबी तबसु। आपके पति का? मोहम्मद फरीद अंसारी। मेरी बेटी को छोड़ छाड़ करने के संबंध में हम आवेदन दिए थे ग्राम कचहरी में बबलू बाबू को, लेकिन वो मतलब पैसा भी दिए थे 300 रुपया, कोई सुनवाई नहीं किया, आज दिन तक नोटिस नहीं किया, और खाली फोन बोलता है मेरा फोन है, धमकी है, फोन है, नोटिस है, केस करने नहीं दिया हमको, क्या आप मत जाइए थाना, मत जाइए इधर उधर, मत जाइए, हम इंसाफ कर देंगे। यही फिर दोबारा मार करके हम लोग का सर पूरा परिवार का फोड़ दिया सर। सरपंच कोई सुनवाई नहीं? सरपंच कोई सुनवाई नहीं किया। क्या नाम है? बबलू सरपंच नाम है। उसकी बीवी सरपंच है? सरपंच पति? हाँ, सरपंच पति बबलू नाम है। और क्या? मुखिया जी हाफिज साहबाज मुखिया जी है मेरे मोहल्ले का, उसको भी सूचना दिए थे, उसने भी फोन करवाए थे सरपंच को कि इस तरह का घटना घटा है, उसने भी कहा कि जाइए सरपंच फैसला कर देगा, लेकिन वो लोग हम लोग जब जुटे तो वो वाले पार्टी को नहीं आया, तो हम क्या करेंगे? क्या नाम है आपका? मोहम्मद फरीद अंसारी।
लोग ने दूसरे पर किया हमला, दो लोग गंभीर रूप से घायल। भागलपुर में दो पक्षों के बीच विवाद हो गया, जिसमें एक पक्ष के दो लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। मामला जगदीशपुर थाना क्षेत्र का है। मामले को लेकर पीड़ित पक्ष का कहना है कि वे लोग मुहर्रम का मेला देखने जा रहे थे। इस दौरान 15 से 20 की संख्या में बदमाशों ने उन पर लाठी डंडे से हमला कर दिया, जिससे वे लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इस घटना में हॉट पुरैनी निवासी 57 वर्षीय मोहम्मद गुरफान अंसारी और उनके 18 वर्षीय पुत्र मोहम्मद शहबाद गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। मोहम्मद इरफान का सिर फट गया है और शरीर के अलग अलग हिस्सों पर लाठी की चोट के निशान है, जबकि उनके पुत्र को भी काफी चोट आई है। मामले को लेकर पीड़ित व्यक्ति ने बताया कि उनके गांव के ही मोहम्मद अहमद, मोहम्मद रहीम, मोहम्मद फिरदोस ने उनके सहयोगियों के साथ मिलकर बाप बेटे की पिटाई की है। पीड़ित ने बताया कि इससे एक दो महीने पूर्व में भी मोहम्मद शहबाद से इनका विवाद हुआ था और इन लोगों ने पिता और पुत्र को जान से मारने की धमकी भी दी थी। हालांकि गांव में पंचायत बुलाकर इस मसले को सुलह कर दिया गया था, लेकिन जब शहबाद मुहर्रम का अखाड़ा देखने के लिए घर से बाहर निकला तो इन लोगों ने अपने 10-12 अन्य सहयोगियों को बुलाकर उसकी बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी। बेटे को पीटता हुआ देख मोहम्मद गुलफाम जब बीच बचाव करने पहुंचे तो बदमाशों ने उनके सिर पर लाठी चला दी। सिर फटने के कारण हुआ अचेत अवस्था में वहीं गिर गए। परिजनों को आता देख सभी बदमाश वहां से फरार हो गए। वहीं परिजनों और स्थानीय ग्रामीणों की मदद से आनन फानन में घायलों को जिले के मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वे लोग फिलहाल इलाजरत हैं। स्थिति इतनी दुर्दांत है कि पीड़ित पक्ष में काफी भय का माहौल बना हुआ है और वह लोग अस्पताल में भी डरे सहमे हुए हैं। उन्होंने कहा कि यहां भी उन्हें जान का खतरा है, जबकि पीड़ित परिवार ने पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाते हुए मामले के संदर्भ में जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है। मेरे साथ कल का कोई जानकारी नहीं था, हम पक्का पर बैठे हुए थे, अपना दिल्ली है मेरा इतने चौपा उस पर बैठे हुए थे, अखाड़ा जा रहा था, हम लोग बना था कहीं इसकी चलो बाबू कल यहाँ ना ये सब मारे थे। बस उधर से एक लड़का आया 12-15 साल का, कल ये बेटा को टुकड़े मार के गिरा दी, कोई दिल में 6-5 नहीं था। हम इधर से खाली हाथ गए, उधर से हमको पिस्टल पर सीट से मारी, दोनों भाग हाथ में पिस्टल था, लाठिए लाठी करके मारिए दो जान। एक भतीजा हमको कैसे उठा के लेके भागा, एकदम अपने जानते कल के मार दो उसको। कितने लोग थे? कम से कम तो 18-19 थे, सब गुदिया का मिला। वो लोग 5 भाई थे और भतीजा सब उसका चचेरा भाई सब टोटली। मुख्य कौन कौन थे उनका नाम बताइए? जो जो मारे वाला अहद, वाहिद, रहीम, आरो तो हम एक दो तक फिर दो सारो बच्चा सब नया सब हम लोग दाम जान नाम। विवाद का कारण क्या है तथा आपको क्यों मारा? तो मेरा लड़का है लेल्हा, हाँ, दूध लेने के लिए घर पर दूध की दुकान है मेरे आइसक्रीम की, तो दूध लाने के लिए जा रहा था, उसको पड़ा पड़ उठ के मार दिया, साइकिल रोक के साइकिल पर था। तो हम लोग गए उसके घर पर, कहिए अरे बाबू काहे ले ले पगल को मरते, उसको कोई अकल हकल के बसी बोलोगे तो तुमको भी मार, आज से 2-2.5 महीना पहले इसी से नोक झोंक हुआ था, उसी का ही शिकार लिखा, इसलिए पंचायती बैठा रहा, वो बैठा रहा, उतना रोज से उसको सेटिंग नहीं मिला। कल असल हम लोग सब परिवार, हमारी लड़की रहती सागर जी, सब मेहमानी में आया था यहाँ, पड़ गया अकेले, अरे कोई बात नहीं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? पुरैनी में। पुरैनी? आप पुरैनी? आपका क्या नाम है? मोहम्मद इरफान अंसारी। क्या करते हैं आप? कपड़े का दुकान है, हाथ बाजार करते हैं, लुंगी लुंगी टी शर्ट गंजी जीन्स से यही सब। एक दो ठो आया मारने के लिए, फिर 10-12 ठो आया, सब मिल के मुँह मारा, तो पापा आया, तो पापा को मारा गोली के पेट से, सब फाड़ दिया है। हाँ, जान मारने का बोला था अहद, फिरदोस, रहीम, वाहिद, जसीम, सब मिल के मिस्टर, 12-13 लड़का था। क्यों ये लोग मारा, क्या कारण? कारण कुछ नहीं, उधर से जा रहे थे, पहले 2 महीना पहले मार हुआ था, मार का कारण होगा ना जो भी आप बताते हैं, फिर हम लोगों अकेला देख के मारा, घर पे कोई था नहीं, इसको अकेले देख के पहले भी मारपीट हुआ, पहले 2 महीना पहले सोने का चैन था, पापा को मारने के लिए उठाया, खींचा यहाँ सोने का चैन खींचा, यही कट गया, मोबाइल गिरा तो मोबाइल मिल गया। पहले जब मारपीट हुई थी तो केस किए थे? नहीं, समाज में आपस में बैठ के बात हो गया था। ये है कौन लोग, जो लोग मारा है ये लोग कौन? पुरैनी का है, मोहल्ले गाँव का है। अच्छा, तुम्हारा घर कहाँ है? मोमिन टोला।
थाना कहाँ आते हैं? क्या नाम है तुम्हारा? सादा। घटना हुआ मेला जा रहा था जमीन पे गिरा हुआ था जब हम पहुँचे वहाँ पे। अभी पुलिस से क्या मदद चाह रहे? सजा होना चाहिए, इंसाफ चाहिए। तो मैं अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लोकल टीवी न्यूज 24x7। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24x7, सब पर नजर, सबकी खबर।